जिला कांगड़ा में मौसम की पहली बारिश ने तबाही का रूप धारण कर लिया है। शाहपुर विधानसभा के अंतर्गत भू वैली में लोगों के घरों को भारी नुकसान पहुंचा है। साथ ही में लैंडस्लाइड के चलते लोगों का सड़क मार्गों से भी संपर्क टूट गया है। जिलाधीश कांगड़ा डॉक्टर निपुण जिंदल ने बताया कि इस क्षेत्र के लिए NDRF और प्रदेश सरकार के चौपर की मांग प्रशासन द्वारा की गई है। उन्होंने कहा कि वो वैली में 3 से 4 घरों का नुकसान हुआ है और कुछ समय में NDRF की टीम भी मौके पर पहुंच जाएगी, जिसके बाद नुकसान का आकलन किया जाएगा। जिलाधीश कांगड़ा निपुण जिंदल ने बताया कि इसके अलावा भारी बारिश की वजह से जिला कांगड़ा में 2 लोगों के लापता होने की सूचना भी प्रशासन को मिली है। उन्होंने कहा कि नगरोटा, बगवा और देहरिया से 2 लोग लापता हुए हैं, जिनकी तलाश प्रशासन द्वारा की जा रही है। DC कांगड़ा ने कहा कि बारिश के चलते जिला भर में भारी नुकसान हुआ है, जिसका आकलन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हैवी रेनफॉल के चलते जिला भर में लोगों के घरों सहित पुलों को काफी नुकसान हुआ है। DC ने कहा कि पुलों को हुए नुकसान के चलते यातायात को भी डाइवर्ट किया गया है। DC ने कहा कि मौसम विभाग द्वारा मंगलवार को भी भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है, जिसके चलते मॉनसून सीजन के दौरान लोगों को नदी नालों तथा खड्डों के नजदीक जाने से परहेज करने की सलाह दी गई है तथा बाढ़, भूस्खलन को लेकर संवेदनशील जगहों पर नहीं जाने की हिदायतें भी दी गई है। आपदा की स्थिति में जिला मुख्यालय कंट्रोल रूम से टोल फ्री नंबर 1077 पर संपर्क कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि आपदा से निपटने के लिए आवश्यक उपकरण भी उपमंडल स्तर पर उपलब्ध करवाए गए हैं। इसके साथ ही होमगार्ड तथा वॉलंटियर्स की टीमें भी गठित की गई है, जो कि आपदा के दौरान त्वरित प्रभाव से कार्य करेंगी। देखिए, पिछले कल शाम से जिला कांगड़ा बहुत भारी वर्षा को देख रहा है और ये वर्षा लगभग अब जाके रुकी है। थोड़ी देर के लिए अगर हम धर्मशाला की बात करते हैं तो इसमें काफ़ी जो रेनफॉल है काफ़ी हैवी रहा है, परंतु ये कह पाना कि ये फ्लैश फ्लड है, क्लाउडबर्स्ट था कि नहीं, ये इस समय मुश्किल होगा। बिकॉज जो एक क्लाउडबर्स्ट है वो एक टेक्निकल टर्म होती है और इसके अंदर कितनी प्रेसिपिटेशन किसी एक डिफाइंड टाइम के अंदर हो रही है उसके ऊपर डिपेंड करता है। हालांकि जो हमारा जो ये बहुत हैवी रेनफॉल है, इसकी वजह से बहुत जो डैमेज है वो रिपोर्ट किया गया है विभिन्न पार्ट्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट से। इसके अंदर जो कॉल्स हमें भी काफ़ी आई हैं, जो लोग स्ट्रैंडेड हुए हैं उनको रेस्क्यू किया जा रहा है, जिन लोगों के घरों को डैमेज हुआ है वहाँ पे उनको, जो होमलेस रेंडर हुए हैं उनको भी जो रिलीफ है वो प्रोवाइड किया जा रहा है। जितने डिपार्टमेंट्स हैं इंक्लूडिंग PWD, उनको रोड्स वगैरह की अपकीप और जो खुले रहें, साथ ही साथ जो JCBs की जो डिप्लॉयमेंट है वो तुरंत प्रभाव से की जाए, उसके लिए उनको कहा गया है, उनको सभी को बोला गया है। और जो हमारे इस समय का प्रेडिक्शन है ज़िला कांगड़ा के लिए, वो भी कल तक हैवी रेनफॉल जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है उन्होंने प्रेडिक्ट किया है। तो मेरी सभी जो नागरिक हैं उनसे ये रिक्वेस्ट रहेगी, ये अपील रहेगी कि नदी नालों के पास जाने से बचें और जो ऐसे खड्डे हैं जहाँ पे बहुत जो पानी आने की संभावना है या फिर वहाँ पे लो हाइट के जो पुल हैं या पुलियाँ हैं वहाँ पे भी जाने से बचें। और यदि कोई तकलीफ होती है तो 10777 जो हमारा एमरजेंसी कंट्रोल रूम है डिस्ट्रिक्ट का, उसका नंबर है, टोल फ्री नंबर है और उसके ऊपर कोई भी संपर्क कर सकते हैं। और प्रशासन द्वारा हर संभव जो प्रयास है वो किया जा रहा है और लोगों से यही अपील रहेगी कि अपने घरों से बाहर जब तक ये बारिश का मौसम, जो बारिश का जो ये स्पेल है, ये सामान्य नहीं हो जाता, तब तक बहुत ही आवश्यक हो तभी निकलें और ऐसी जगहों पे जाने से बचें जहाँ पे खतरा ज़्यादा हो। अभी तक हमारे पास जो कोई भी रिपोर्ट नहीं किया गया है कहीं कोई ह्यूमन लाइफ का लॉस, परंतु 2 जगह से, एक नगरोटा बगवा और एक धीरिया के अंदर अपना एक एक व्यक्ति वहां पे मिसिंग है और उनकी इस समय जो सर्च है वो इस समय चल रही है। सर, जो रेन, हैवी रेन है उसकी वजह से पुलों को भी डैमेज हुआ है और यातायात रोका गया था NH पर? जी, इसमें बेसिकली कई जगह पे जहां पे जो हमारी पुलों के ऊपर से पानी क्रॉस किया और मक आई है वहां से यातायात को डाइवर्ट किया गया था और आगे भी ज़रूरत अगर रहेगी ऐसे पुल जहां पे आने के चांसेस हैं, पानी के क्रॉस करने के चांसेस हैं, वहां से भी यातायात को डाइवर्ट किया जाएगा। धर्मशाला के चैतड़ू में भी कोई लगभग 8 से 10 मकानों को पूरी तरह डैमेज किया जी, क्या मामला? वहाँ पे बेसिकली जो बताया जा रहा है, करीबन जो आप ठीक कह रहे हैं, वहाँ पे कुछ घरों को डैमेज हुआ है और कुछ लोगों को अपना आश्रय की ज़रूरत है। सभी SDMs को ये बोला गया है कि जो हमारी वेकेंट बिल्डिंग्स हैं, चाहे स्कूल्स की हों चाहे कम्युनिटी भवन हो, वहाँ पे एक जो मेकशिफ्ट उनके जो शेल्टर है उसका इंतज़ाम किया जाए
और उनको हर प्रकार की फौरी राहत, चाहे वो काइंड में हो, ग्रेन्स हो, किसी भी प्रकार से उनको ज़रूरत हो या फिर कैश की रिक्वायरमेंट हो, एज़ पर जो हमारे गवर्नमेंट की गाइडलाइंस हैं वो उनको उपलब्ध करवाई जाए। डू यू थिंक कि जो भातसुनाग में इंसिडेंस हुआ है, एनक्रोचमेंट उसका एक बड़ा कारण रहा है? देखिए, इस समय इस बात पे टिप्पणी करना बहुत मुश्किल होगा, परंतु जो ये जो एक पोस्ट इंसिडेंट हमारा एनालिसिस होगा, जिसके अंदर हम आकलन भी करेंगे जो डैमेज हुआ है, उसके बाद ही जो ये चीज़ें इन पर कमेंट करना उचित रहेगा। यहाँ पे शाहपुर के अंदर एक जो वो वैली है, जो लेहड़ का एरिया है, वहाँ पे कुछ इनपुट्स हैं कि वहाँ पे कुछ घरों को क्षतिग्रस्त हुए हैं, और वहाँ पे क्योंकि जो रोड्स का जो एक्सेस है वो भी कट ऑफ हो गया है बिकॉज ऑफ द लैंडस्लाइड्स, तो वहाँ के लिए NDRF और जो स्टेट चॉपर है उसकी जो हमने रिक्वजिशनिंग की है, और वहाँ पर वो टीम्स कुछ देर में पहुँचेंगी, और वहाँ पर जो असेसमेंट है डैमेज का उसको उसी समय किया जाएगा। लगभग कितने लोग फंसे हैं वहाँ पर? कुछ वहाँ पे जो सूचना है 3 से 4 घरों की ऐसी सूचना है जो अपना जो डैमेज हुए हैं, और वहाँ के जो लोग हैं वो इस समय अपना उनकी तलाश जारी है। सर, ये भारी बारिश से कहाँ कहाँ नुकसान हुआ है, किस तरह की सूचना है अभी प्रशासन के पास, और खासतौर पर जो पर्यटक यहाँ पर फंसे हुए थे उनमें बहुत दहशत है, कई जगह जो है वो या मार्ग जो है वो बंद हो गए हैं, किस तरह की व्यवस्था जो है वो की गई है? जी, कल रात से काफ़ी भारी बारिश जो है धर्मशाला के इलाके में हुई है, जिसकी वजह से कई जगह पर लैंडस्लाइड्स हो गए हैं, मार्ग अवरुद्ध हुए हैं, कुछ ब्रिजेस को भी नुकसान हुआ है। भागसुनाग के इलाके में कल रात की भारी बारिश की वजह से जो कुदनाल है वो ब्लॉक हो गया, और नाले का पूरा पानी जो है वो रोड के ऊपर आ गया, जिसकी वजह से बहुत सी गाड़ियाँ बाइक्स जो हैं वो बह गई, बहुत से 4-व्हीलर जो हैं जो आपस में टकरा गए, उनको काफ़ी नुकसान हुआ है। लेकिन सोशल मीडिया के ऊपर काफ़ी भ्रांतियाँ और स्टोरीज चल रही हैं कि क्लाउड बर्स्ट हुआ या फ्लैश फ्लड्स आ गए, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, क्योंकि रात भर से बहुत भारी बारिश हो रही थी, तो एक नाला है जो ब्लॉक हो गया और उसने अपना कोर्स चेंज कर लिया और वो सड़क के ऊपर आ गया, जिसकी वजह से मैक्लोडगंज भागसुना के एरिया में जो है गाड़ियों के आपस में स्लाइड करने से पानी की वजह से नुकसान हुआ है। इसके अतिरिक्त गग्गल थाना के अंतर्गत चैतड़ू के इलाके में अचानक पानी आ जाने से 2 शॉप्स बह गई हैं। चैतड़ू का जो ब्रिज है उसको हमने कुछ समय के लिए बंद किया था प्रिकॉशनरी, अब फिलहाल उसको भी खोल दिया है। जो रजोल के पास गग्गल पुलिस स्टेशन में ही एक ब्रिज है, उसके ऊपर से पानी बहने लग गया था और उसमें कुछ नुकसान हो गया था, जिसकी वजह से उसे भी उस रास्ते को हमने NH 154 पे बंद किया है, और जो ट्रैफिक है उसको वाया चंबी धर्मशाला या बंडी होते हुए हमने डाइवर्ट कर दिया है। इसके अतिरिक्त जो 32 मील का इलाका है वहाँ पर भी लैंडस्लाइड की सूचना अभी मिली है, जिसकी वजह से पठानकोट मनाली हाईवे जो है वो अवरुद्ध है। मेरी लोगों से अपील है कि अभी भी आगे भारी बारिश की अंदेशा है, ऐसी मौसम विभाग से सूचना है, तो इस ओर अगर ट्रैवल करना है तो जो कांगड़ा पुलिस का फेसबुक पेज है उस पर मैं लगातार अपडेट दे रहा हूं कि कौन से रास्ते बंद हैं और ट्रैफिक हम किधर से डाइवर्ट कर रहे हैं, तो अगर बहुत आवश्यक हो तो उसी परिस्थिति में ट्रैवल करें, अन्यथा कोशिश करें कि कुछ समय के लिए ट्रैवल ना करें। सर, कहीं कोई जानमाल के नुकसान का भी सूचना है अभी तक? जी, अभी तक किसी तरह के जानी नुकसान की सूचना नहीं है, लेकिन प्रॉपर्टी का लॉस डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी जगह पर है वो, जब हम बहुत से इलाके हैं जिनको हम एक्सेस भी नहीं कर पा रहे हैं, बो के इलाके में लैंडस्लाइड में कुछ घरों के भी ऊपर मलबा आने की सूचना मिली है, जहाँ पे पुलिस टीम रवाना कर दी गई है, लेकिन वहाँ पर ऐसी सूचना है कि 3-4 किलोमीटर पहले जो रोड है वो वॉश अवे हो गया है, तो 1 फुट 4 टीम्स जा रही हैं, तो वहाँ जा कर के ही जब टीम्स वहाँ पहुँचेंगी तो एग्जैक्ट क्या परिस्थिति है उसके बारे में कुछ कहा जा पाएगा। सर, यहाँ पर्यटक भी काफ़ी थे, लोग फंसे हुए हैं, लोगों में दहशत भी है, डर भी है, किस तरह से अवेयर करना चाहेंगे? जी, काफ़ी पर्यटक मैक्लोडगंज के इलाके में हैं, लेकिन मेरी उन सभी से अनुरोध है कि किसी तरह की दहशत की आवश्यकता नहीं है, सारे रोड्स वेल कनेक्टेड हैं, और अगर उनको कहीं भी किसी और जाना है तो वो जा सकते हैं, और किसी तरह का भय का माहौल या दहशत का माहौल इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, स्थिति हमारे नियंत्रण में है, एंड हम मेरे पुलिस के जवान NDRF की टीम भी यहाँ पर अब डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने बुला ली है, तो हम लोग मुस्तैद हैं और चारों तरफ नज़र रखे हुए हैं, किसी तरह उनको परेशान होने की या भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है, वो अगर चाहें तो सुरक्षित यहाँ से वापस आ सकते हैं। चौक चौराहों पर भी पुलिस ने कोई विशेष व्यवस्था की है जिससे आवाजाही में कोई दिक्कत ना हो? जी बिल्कुल, जहाँ इंटरसेक्शन है वहाँ पर हर जगह हमने कोशिश की है कि वहाँ पर आदमी लगा दें, और
लोगों को जिस रास्ते पे डाइवर्ट करना है, जो सुरक्षित रास्ते हैं उनसे ही उनको भेजा जाए और कोई व्यक्ति इस तरह से स्ट्रैंडेड ना हो, इसकी व्यवस्था हमने की। लाइव टाइम्स टीवी के लिए धर्मशाला ब्यूरो की रिपोर्ट। हिमाचल के सबसे बड़ी ऑटो डीलरशिप गोयल मोटर्स में नौकरी करने का सुनहरा अवसर। सोलन, शिमला, सिरमौर और किन्नौर में चाहिए सेल्स एग्जीक्यूटिव, सर्विस एग्जीक्यूटिव, फील्ड एग्जीक्यूटिव, मोटर मैकेनिक और ड्राइवर। शानदार करियर संभावनाएं व इंडस्ट्री में बेहतरीन सैलरी पैकेज। तो आज ही कॉल करें 9418035372 पर और ईमेल से भेजें अपना बायोडाटा HR@goyalmotor.com पर।